मॉर्निंग गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहीं बल्कि दो या तीन कमेंट्स के एक साथ रिप्लाई के बारे में, क्योंकि तीनों में कुछ मिलते जुलते ही डाउट्स हैं और अक्सर बहुत सारे कमेंट हो जाने की वजह से हम सारे कमेंट्स कवर कर भी नहीं पाते। कुछ कमेंट्स तो दो दो हफ्ते पुराने हो जाते हैं और जो व्यूवर्स हैं उनको लगता है कि हमारे कमेंट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कई बार ईमेल भी आती है। तो इसलिए इस वीडियो में हम तीन कमेंट कवर करने वाले हैं और देखेंगे तीनों में क्या क्या वो पूछ रहे हैं और क्या डाउट्स हैं। तो आइए एक बार हम फटाफट कमेंट देख लेते हैं और एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए चलते हैं। पहला कमेंट ये हमारे पास ISR1 फॉर्म पे आया हुआ था कि इसे कैसे भरें। ये पूछते हैं फोलियो नंबर कहाँ से मिलेगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं और अब DP में भी शो नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपका शेयर DP में भी नहीं शो हो रहा है, दैट्स मीन वो सस्पेंस अकाउंट में चले गए हैं, और इसके लिए आप एक बार अपने जो भी डिपॉजिटरी है DP हैं उनको संपर्क करें और वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। DP को आपको संपर्क करना है, डिपॉजिटरी को, और इलेक्ट्रॉनिक शेयर का जो भी प्रोसेस होता है उसमें आपका फोलियो नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर जो भी आपसे मांगा जाता है वो आपका DP ID और क्लाइंट ID होता है, या फिर आपका उसमें क्लाइंट कोड मांगा जाता है। तो इस वजह से इसमें आपका फोलियो नंबर और बाकी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से आप परेशान मत होइए, आप सीधा अपने डिपॉजिटरी को कांटेक्ट कीजिए और उनसे इन शेयर्स के बारे में जानकारी लीजिए, और किस प्रोसेस को करना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा कि सस्पेंस अकाउंट में चले गए हैं या फिर कुछ और रीज़न है, तो हम उसके बिहाफ पर आपको अगली वीडियो बनाकर देंगे। आइए दूसरा कमेंट देख लेते हैं। ये कमेंट है हमारे डिविडेंड वारंट के ऊपर कि किस प्रकार से डिविडेंड वारंट अगर आपका खो जाए, लॉस्ट हो जाए या एक्सपायर हो जाए तो किस प्रकार से उसे प्राप्त करें। तो ये पूछते हैं ऑनलाइन भेजना होता है या कोरियर के थ्रू भेजना होता है। देखिए, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, कोई चाहे KYC अपडेशन हो या फिर जो है आपका वारंट से रिलेटेड हो, आप दोबारा वारंट प्राप्त करना चाहते हैं इस तरीके का हो, इन सभी केसेस में आपको एक कोरियर से ही भेजना होता है। RTA ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में ईमेल पे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके RTA या डिपॉजिटरी के ऊपर। तो एक बार इस विषय में आप अपने डिपॉजिटरी या RTA से संपर्क कर लें, और यदि आप संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें फिजिकल फॉर्म में ही भेजें, और भेजने के बाद कोरियर के थ्रू आप उसे ट्रैक करके पता करें और पहुँचने के बाद वहाँ पर एक बार बात कर लें कि मैंने भेजा था और इस तरीके को दिखा रहा है कि आपको रिसीव हो गया है। तो आइए देखते हैं अगला कमेंट। शेयर डीमैट अकाउंट में है तो फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टेंटी नंबर कैसे भरें। देखिए, इस विषय में आपको बताना चाहूंगा कि अगर दोनों आपके शेयर डीमैट में है तो उसमें फोलियो नंबर और सर्टिफिकेट नंबर या डिस्टेंटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें आपको आपका DP ID और क्लाइंट ID की ज़रूरत पड़ती है या फिर क्लाइंट कोड की। इन्हीं चीज़ों से आपके सारे प्रोसेस होते हैं। अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक प्रोसेस है जो आप करना चाहते हैं के बिहाफ पे, आप एक बार अपने रजिस्ट्रार या फिर आपका जो भी डिपॉजिटरी है उनसे ज़रूर एक बार कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको जो भी कोरियर करना होता है वो आपको जो भी फॉर्म भेजने होते हैं वो कोरियर के थ्रू भेजने होते हैं, और इसके साथ ही जब आपके डीमैट में शेयर है और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले आपको अपने डिपॉजिटरी को संपर्क करना होता है, उसमें RTA का रोल ख़त्म हो जाता है। बहुत ही रेयर केस है जिसमें RTA का रोल होगा, अदरवाइज RTA का रोल ख़त्म हो जाता है, सारा डिपेंड हो जाता है आपके डिपॉजिटरी पे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में एक और नए ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक या कमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।